प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें आप देखेंगे नाजिया खान जी साजिद रशीदी जैसे मौलाना और मजहब के ठेकेदारों पे बहुत ही तगड़ा भड़क गई। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अब तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इल्जाम लगाया गया और आपको अरेस्ट करवाया गया झूठे इल्जाम लगाकर, और वो सारा आपने जिस बहादुरी के साथ वो सारी चीज का मुकाबला किया, ये सारी चीजों को जरा एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं जो वो ताकि वो समझ सकें कुछ सारी चीजों को, थोड़ा सा वो उनको पता चले कि असल में हकीकत क्या है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात हैं और भारत के अंदर जो हालात है वो उनके सामने आ जाए। सबसे पहले मैं मुजफ्फर भाई कहूंगी कि पता नहीं हमारी कौम को हो क्या गया है। हमारी कौम इंसानियत के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम शिक्षा के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करना नहीं चाहती है, हमारी कौम सुकून से रहना नहीं चाहती है, हमारी कौम दूसरे धर्म के लोगों को सुकून से रहने देना नहीं चाहती है। हमारी कौम जिस भी धरती पर और जिस भी देश में रहती है, वहां से उनके नाम की बदनामी हमें सुनाई कान तक आ ही जाती है न्यूज के मार्फत। अब हम डच में तो नहीं जा रहे हैं, हम तो इटली में नहीं जा रहे हैं, पर वहां से न्यूज़ेस आ रहे हैं और सारे दृश्य हम देख रहे हैं। पहला जो आपने वीडियो दिखाया है उसमें पत्थरबाजी मस्जिद के बाहर से हो रहा है, आप देखिएगा पीछे मस्जिद है और बारह वफात का एक बहुत बड़ा झंडा भी लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है बारह वफात के लिए। मुझे बहुत एहसास होता है, एहसास से कमतरी होती है, मुझे बहुत मायूसी होती है कि जिस नौजवानों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को बड़ी बड़ी एकेडमी में होना चाहिए, जिन मुस्लिम नौजवानों को शिक्षा हासिल कर करके बड़े बड़े ओहदे और चेयर पर होना चाहिए, उन मुस्लिम नौजवानों के हाथ में पत्थर होता है। और उसकी वजह वो खुद नहीं है, उसकी वजह मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, वो मौलवी मुल्ला हैं, जिन्होंने अपने प्रोवोकेटिव और भड़काऊ तकरीरों से उनके दिल में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है कि उनसे धर्मों को हम लूटेंगे तभी हम बच पाएंगे। गलती मेरे मुसलमान युवा नौजवान की नहीं है या इन बच्चों की नहीं है, ये जितने बच्चे आपने देखे पत्थर मार रहे हैं ये बच्चे 22-25 साल से ऊपर के नहीं है, हमारे सामने तो बच्चे ही हुए ना। जब मैं खुद 14-15 साल के बेटे की माँ हूं तो 22 साल का लड़का मेरे सामने क्या हुआ। मुझे बहुत एहसास होता है, मेरी आंखों में आंसू आता है कि काश काश कोई एक ऐसा इस्लामिक प्रीचर होता जो कहता कि मुसलमान नौजवानों अपना फोकस अपने करियर पर रखो, मुसलमान नौजवानों इन सारी चीजों से साइड हो जाओ और शिक्षित हो जाओ, इंजीनियर डॉक्टर आईपीएस आईएएस बन जाओ, तुमको पीछे कोई नहीं रख पाएगा, तुमको जितने भी कोई कोशिश कर ले तुम्हारे चेयर को कोई नहीं छीन पाएगा अगर तुम डिग्री लेकर के आ रहे हो। ये नहीं लिखा हुआ है, सूरह काफिरून साफ कहता है कि आप किसी को फोर्सिबली जोर जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन भी नहीं करवा सकते हैं। आयत लकुम दीनकुम वलिया दीन साफ तरीके से कहती है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि इस्लाम सुकून का प्रतीक है, इस्लाम शांति का प्रतीक है, जहां 10 मुसलमान बैठे हो वहां पर एक अजीब सा वातावरण सुकून का होता है, एक अजीब सा माहौल शांति का होता है, एक अजीब सा माहौल तहजीब और तमद्दुन का होता है। पर यहां तो यह हो गया है कि जहां 50 मुसलमान खड़े होते हैं या तो वहां पर जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लैंड जिहाद सुन लो, या तो वहां पर लव जिहाद सुन लो, या तो वहां पर पत्थर मारो जिहाद सुन लो, यही सुनते आ रहे हैं हम। और ये अपने पर्सनल ग्रजेस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर निकाल रहे हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। इस्लाम को इन्होंने नाउजु बिल्ला एक ब्रिज बना लिया है, एक पुल बना लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने पर्सनल गरजेस और अपने अपनी दुकानदारी चलाते रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे, जो आज भी छाती पीट रहे हैं
कि अफजल गुरु को फांसी क्यों लग गई, क्यों लग गई अफजल गुरु को फांसी। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कल एक 8 साल का रोटी बनाने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश में इसलिए अरेस्ट होता है क्योंकि उसको बहुत दिन से देखा जा रहा था कि वो रोटी बनाते वक्त थूकता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में सबसे ज्यादा हिंदू आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमान की बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे मेरे इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इससे मेरे सुन्नते रसूल जो इतना खूबसूरत है उसकी बेइज्जती हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप खुद को मुसलमान कह रहे हो? आप खुद को मुसलमान तब कहो जब आप सुन्नते रसूल पर चलो। सिर्फ बिना मूंछ के दाढ़ी रख लेने से, सर पर जालीदार टोपी पहन लेने से, साफा पहन लेने से, उटंगा पैजामा पहन लेने से, लंबा कुर्ता पहन लेने से और इत्र भर भर के लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। आपकी हरकतों से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम के मानने वाले हैं, आपकी जुबान से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम के फॉलोअर हैं, आपकी आपके चलने फिरने से पता चलना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत इस्लाम को मानते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं, आप मेरी मॉब लिंचिंग करने आ रहे हैं, जो रोज मुसलमान युवाओं के पक्ष में बात कर रही है, जो कह रही है कि पढ़ लो, कुछ बन जाओ, कहीं बैठ जाओ, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लो, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक ऊंचा ओहदा बन जाओ, अपने माँ बाप के फक्र का बास बन जाओ अगर कुछ बन जाते हो या बन जाती हो तो, और आप मुझे मॉब लिंचिंग कर रहे हो, आप साजिश रच रहे हो मेरी मॉब लिंचिंग की और झूठे मॉब लिंचिंग की जो आप कोर्ट में साबित भी नहीं कर पाए और कोर्ट में आपको झाँ सुनना पड़ा। जज ने साफ तरीके से लिख करके दिया कि ये अरेस्ट इलीगल है, जज ने साफ तरीके से लिख करके दिया कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल भारत के संविधान आर्टिकल 21 के हिसाब से आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते, ये जज ने लिख के दिया। आप लोगों को हमेशा से ये सुनाया गया भारत में मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत में मुसलमान तो बेचारा मर रहा है, भारत का मुसलमान तो बेचारा खा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान पहन नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान मस्जिद जा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान रोजा रख नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को फतवा कर नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को मदरसा चला नहीं पा रहा है। लेकिन ये दृश्य क्या बोल रहा है जो पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दृश्य क्या बोल रहा है? हर रोज भारत का न्यूज चैनल आप उठा करके देखिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे आप नेशनल न्यूज देखिए, आप देखिए कि उसमें कम से कम 10 हेडलाइन, मदरसे में जाली नोट छाप दिया, फलाना मुसलमान ने वहां पर आग जला दिया, फलाना मुसलमान ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया, फलाना मुसलमान ने सब, फलाना मुसलमान ने धर्म परिवर्तन करवा दिया, फलाना मुसलमान ने गाय का गोश्त जो है वो मंदिर में जा करके रख दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में घुस करके वहां का मटका चोरी कर लिया, फलाना मुसलमान ने पत्थरबाजी कर ली। यही तो सुन रहे हैं। कितना छुपाओगे अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपनी बदतमीजी को, अपनी आवारगी को, अपनी बेहूदगी को, कितना छुपाओगे? फिर कोई पैदा होगी नाजिया, फिर कोई पैदा होगी उसके, फिर तुम बूढ़े होकर के मर जाओगे और वो सारा अजाब तुम्हारे बाल बच्चों पर पड़ेगा, इंशाअल्लाह वल रहमान के पड़ेगा। और मैंने मुजफ्फर भाई देखा है प्रैक्टिकली, जब आप किसी बेकसूर के साथ कुछ बुरा करते हैं ना तो आपके साथ भी बुरा होता है। शायद आप इतने मोटे चमड़े के हो चुके होंगे कि आपको एहसास नहीं होता होगा। अब मैं पाकिस्तान के बारे में बोल देती हूँ, 78 साल की पैदाइश, नेहरू और गांधी जी के दया दृष्टि पर, भीख पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने माइनॉरिटी को खत्म कर डाला, पाकिस्तान ने सारे फिरकों को खत्म कर डाला, पाकिस्तान ने इमामबाड़े से लेकर के शियाओं के मस्जिदों को भी तोड़ डाला। आज पाकिस्तान कब्रिस्तान में चेंज हो चुका है, आज पाकिस्तान में एडुकेशन नहीं है, आज पाकिस्तान में इकोनॉमी नहीं है, आज पाकिस्तान में फिनेंशियल क्राइसिस है, आज पाकिस्तान में 3/3 लोग भूखे सोते हैं, आज पाकिस्तान में लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। क्या मिला आपको? आज यही भारत आज इकोनॉमी में 3rd पोजीशन पर है, आज यही भारत डिफेंस में 4th पोजीशन में है, आज यही भारत इस पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज से
बहुत खूबसूरत रिश्ता रखा हुआ है, और यही पाकिस्तान, 57 मुस्लिम मुल्कों ने आपके मुंह पर थूक दिया है। और कल की बात है कि अफगान ने आपके नेशनल एंथम पर खड़ा तक नहीं हुआ, बेइज्जत कर दिया आपके नेशनल एंथम को। इसमें भी आपको शिकायत करने का मुंह नहीं है। क्यों नहीं है मुंह मुजफ्फर भाई आपको शिकायत करने का? क्योंकि पहला, आपके पाकिस्तान का एक भी बाशिंदा, एक भी अवाम कभी नहीं कहता है कि उनके लिए देश आगे है, वो कहता है उनके लिए इस्लाम पहले। सही कह रही हैं। दूसरा, आपने अफगानियों के साथ कितना बुरा किया ये भी तो सोचिए। तो उनके जायदाद लूटे, आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दिया, आपने उनको तबाह बर्बाद करके कुत्ते बिल्ली की तरह भगाया और धक्के मार कर निकाला, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं हुआ। जैसा करोगे, जैसा बोगे, वैसा पाओ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया, जिसमें आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी मुल्ला मौलवियों पे भड़क गई, खासकर सादिर रशीदी मौलाना के ऊपर, जो कि ना सिर्फ नाज़िया खान जी को धमकी दे रहा है बल्कि उनको मारने की भी कोशिश कर रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और नाज़िया खान जी की सपोर्ट में अपने विचार जरूर प्रकट करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।